खुशी देख लो एक बार आके, ग्रेवी इतना ही रखूं कि और रखूं? ठीक है, अब बनके रेडी है हमारा आलू पत्ता गोभी की सब्जी। धनिया पत्ती डाल देंगे। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, एक बार मेरे इस तरीके से पत्ता गोभी की सब्जी बना के देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इतना देर तक मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू। आज मैं आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आलू को भी बॉईल कर ली हूँ और पत्ता गोभी को भी बॉईल कर लिया है। एक प्याज और दो हरी मिर्च को कट कर ली हूँ। तेल गर्म हो चुका है और प्याज मिर्ची को भून लेंगे। प्याज भून चुका है, अब यहाँ पे एक टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बना ली हूँ, उसे डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब जो बॉईल करके रखे थे आलू पत्ता गोभी, उसको भी डाल देंगे कढ़ाई में, मसाले के साथ भूनेंगे। एक दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें सूखे मसाले मिलाएंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर, मसाला किंग पाउडर, दो तीन मिनट भुनने के बाद कसूरी मेथी डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी स्वाद आएगी, वैसे किंग मसाला पाउडर से बहुत अच्छी टेस्ट आती है उसे। एक चम्मच बेसन भी डाल देंगे, बेसन डाल के भूनेंगे। जब अच्छी तरह से भून जाएगी तो पानी डाल देंगे। बेसन डाले हैं, कच्ची बेसन है, डाले हैं तो थोड़ा देर भूनना पड़ेगा, उसके बाद पानी डालेंगे।